हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय माता दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राखी का फेस्टिवल है, आज राखी का त्यौहार है। तो हम लोग जा रहे हैं खुशी के, विदु के और जिया के छोटे से भाई को मिलने उसके घर। हम पहुंच चुके हैं, लिफ्ट में हैं, घर पे आ गए हैं। अभी अब राखी का चालू किया है, राखी बांध रहे हैं। ये छोटा सा लिटिल है, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह बहुत नटखट है। ये उसके फादर है। और जिया राखी बांध चुकी है, अभी खुशी राखी बांध रही है, लेकिन बंदवारा ने उसे चॉकलेट खाना है, इस वजह से राखी बंदवारा नहीं। वो राखी बंदवारा ने बहुत नाटक करता, वो उसकी मॉम है जो वीडियो कर रही है करके, वो भी ब्लॉग बनाती है। खुशी से ठीक से धागा बंध रहा ही नहीं है, राखी का उसके फादर बांध रहे। उनको एक ही बेबी है, ये उनको गर्ल नहीं है, ये एक ही बॉय है। विदु देख रही है, चॉकलेट खा रही है। अब विदु बांधेगी राखी, विदु अपनी चॉकलेट रखेगी, अब राखी बांधेगी। राखी बांधने विदु को एक्चुअली बराबर नहीं आती है, लेकिन फिर भी है ना, उसको एडजस्ट करके हम लोग बंधवा देंगे राखी। वो आगे आगे भागती है, लेकिन राखी बंधने प्रॉपर नहीं आती उसको। ये हमारा फुल फोटो है, ये लक्ष्मी पापा है, वो मम्मी है। मोनू अमनीश को तो आप जानते हैं। हम लोग आ गए बारिश में, भीगते हम घर से निकले और बारिश आ गई और हमारा बहुत पचका हो गया और बहुत ही ज़्यादा हम लोग गीले हो गए। हम लोग छाता नहीं लेके गए थे, हमने सामने वाली बिल्डिंग में थे, घर पे आ गए हम। ये मेरी ननद का लड़का है, इसे हम राखी बांध रहे हैं। वो कब से सुबह से परेशान हो रहा है राखी बांधने के लिए। फाइनली खुशी भीग गई थी पानी में, उसके पापा उसका मुंह पोंछ रहे, उसको लगा हम फोटो ले रहे हैं, इस वजह से सीधी खड़ी हो गई। अब विदु राखी बांध के, विदु ने भी खिला दिया, उसके भाई को राखी खिला बांध रही है। अभी जिया फोटो क्लिक कर रही, बीच बीच में फोटो क्लिक कर रहे, इस वजह से वीडियो भी थोड़ा बराबर नहीं हो पा रहा है और काफी मेहमान आ गए। तो ये मेरे जेठ के लड़के हैं, पर मेरे भी भाई जैसे, क्योंकि इनके पापा ने मुझे धर्म की बेटी बनाया है, तो ये मेरे भाई है, तो मैंने भी इनको राखी बांध दी। जैसे अगले साल कोई भी नहीं था, ना जिया ना किसी को राखी बांधी, सिर्फ अपने पापा के अलावा मैंने तो किसी को नहीं बांधी थी। मैंने तो कृष्ण भगवान और गणपति को ही राखी बांधी थी। ये मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है, जिसके लड़के का हम लोग उस दिन आधार कार्ड बनाने गए थे, मैं अगले ब्लॉग में दिखाया था आपको मैंने। फाइनली छोटे वाले को राखी बांध दी, छोटा भाई है, छोटे वाले को राखी बांध चुकी हूँ मैं, आशीर्वाद ले रहा है मेरा। इधर फोटो सेशन चालू है इन लोगों का, मेरे हस्बैंड का, देखो किधर किधर से फोटो ले रहे हैं। फोटो के पीछे बर्बाद है सब लोग। बाबा, मेरे हस्बैंड मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं, तो मेरे को गर्मी बहुत हो रही है। छोटे को पहले बांधी, बड़े को बाद में बांध रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बांधू क्या नहीं बांधू कर रहे हैं। दुपट्टा किधर है वो भी नहीं पता मुझे, क्योंकि अभी सब लोगों को खाना भी करना था, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। और मीठा खा कर परेशान हो गई। ये छोटा वाला बहुत शरारती है, तो कहीं भी घुस जाता है। वो बोल रहा है, मधु मम्मी आपने मुझे राखी नहीं बांधी करती हैं, तो मैंने, तो छोटा भाई है मेरा, तो को सबसे लास्ट बांधूंगी जब तू मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। इसलिए जब हमारे जिया का और जिया के पापा का फोटो सेशन चालू है अभी तक, ये देख लीजिए। फिर पूरी वीडियो में ना ये लोग फोटो खींचते हुए नजर आएंगे। वो सोच रही है मैं क्यों बीच में ना आऊं, मैं भी बीच में आके पहले फोटो क्लिक करवाती हूँ। ये देखो बीच में से, हाँ अब खींच मेरी फोटो। जैसे मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है, लगती छोटी है। ये देख लीजिए, अब फोटो क्लिक करवाएंगे वो।
बोल रही, मेरे को भी बोल रही आने के लिए, मैंने वही तुम्हें खिंचवा लो फोटो, मेरे को तो बहुत काम है। राखी का धागा भी मेरे से नहीं खुल रहा है। दीदू बोल रही मेरे से भी राखी बंधवा लो, राखी बंधवा लो, राखी बंधवा लो बोलते है कोई तो कोई क्या। चलो फाइनली राखी बन चुकी है सबके, तो परेशान हो गए हम लोग। और आई अभी गिफ्ट देने की बारी, तो अभी गिफ्ट दे रहे हैं। एक ने ज्वेलरी दिए, एक ने कपड़े दिए हैं, और अभी एक जना और बाकी है। ये मेरे रिलेटिव में है करके, इनके वजह लेट हो गए थे, ये इनकी वजह से मैंने ब्लॉग का थोड़ा लेट कर दिया। ये मेरी जिठानी के रिलेटिव में भाई है, तो मेरे भी भाई है, तो आए थे। मैंने चलो लगते हैं अभी इन्हें भी राखी बांध देते हैं करके, तो उन्होंने बोला था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था कि मैंने ब्लॉग में इनको भी ऐड कर देंगे। तो ये ज़रा इधर ही जॉब करते हैं, तो आए थे तो मैंने आओ आपको भी राखी बांध देते हैं, फिर खाना मिला के यहीं करते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम उनको राखी बांध रही हूँ, इस वजह से थोड़ा शर्मा रहते हैं। तो फाइनली हमारे राखी का कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, और मैं किचन में खाना बना रही हूँ और बहुत पसीना आ रहा है। तो देखिए करके, अगले साल कोई भी नहीं था राखी के लिए, और आज इतने सारे रिश्ते मिल गए करके, तो देखते रहिए। और गर्म बहुत हो रहा है, देखो मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने इतने सारे भाई दे दिए राखी बांधने के लिए। कल तक अगले ब्लॉग में मेरे राखी के ब्लॉग में कोई नहीं था राखी बांधने के लिए, सादा सिंपल था, और आज पर पूरा घर भर गया राखी के, फिर सब लोग आए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करना आप लोग कि मेरे कितने सारे भाई हो गए और मैंने इतने लोगों को राखी बांधी। और आप कमेंट करेंगे तभी मैं अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे क्या प्रेजेंट मिला, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सीक्रेट रखा है। तो कमेंट आएंगे तो ही मैं बताऊंगी करके मुझे क्या मिला है करके। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो नए मेरे वीडियो से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़ चुके हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। ओके, जय माता दी।